इसराइल और हमास के बीच शुरू हुई जंग में अब पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। एक नई जंग कभी भी शुरू हो सकती है, जो कि वर्ल्ड वॉर जितनी भयानक हो सकती है। 9 महीने से जारी इस युद्ध में हर दिन नया और भयानक देखने को मिलता है। इस बीच इजरायली सेना की भीषण कार्रवाई ने हमास को दहला कर रख दिया है, क्योंकि एक के बाद एक इसराइल हमास के टॉप लीडर्स को ठिकाने लगा रहा है। इसराइल के हथियार, उसकी सैन्य क्षमता और जासूसी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर और खोज कर मारने के लिए फेमस है, और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को इस काम का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस्माइल हानिया को ईरान के सबसे महफूज इलाके में मार गिराना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हानिया जहां मौजूद था वहां से महज 150 मीटर की दूरी पर ही राष्ट्रपति आवास बना है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्माइल हानिया को निशाना बनाना इतना आसान भी नहीं था। नक्शे में छोटा सा नजर आने वाला इसराइल बड़े बड़े काम करने में माहिर है। इसराइल के खुफिया तंत्र से सुपर पावर देश भी खौफ खाते हैं। इसराइल अब तक हिजबुल्ला के 32 कमांडरों को निपटा चुका है। आइए इन सब पर एक नजर डालते हैं। इस्माइल हानिया को 31 जुलाई को तेहरान में मार गिराया गया था। इसके बाद फुअद शुक्र को 30 जुलाई 2024 को लेबनान में मार गिराया गया था। मोहम्मद डायफ को 13 जुलाई को गाजा पट्टी में मार गिराया गया था। मोहम्मद मुस्तफा अयूब को लेबनान के सेला में 17 जून 2024 को एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया था। तालेब अब्दुल्ला, जो कि हिजबुल्ला के नस्र यूनिट का कमांडर था, उसे 11 जून 2024 को लेबनान में मार गिराया गया था। सईद अबियार को 3 जून 2024 को सीरिया में मार गिराया गया था। मोहम्मद रजा जहेदी को 1 अप्रैल 2024 को सीरिया के दमिश्क में एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया। मारवान इस्सा गाजी अबू तामा को एक ही दिन यानी 10 मार्च 2024 को गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया। सादेक उमेद जादे को सीरिया के दमिश्क में 20 जनवरी 2024 को मार गिराया गया था। अली हुसैन बर्जी को 9 जनवरी 2024 को लेबनान के खिरबेट में मार गिराया गया था। विसम अल तावल को लेबनान के माजल में 8 जनवरी 2024 को एयर स्ट्राइक में मारा गया। साले अल अरौरी को लेबनान में 2 जनवरी 2024 को मार गिराया गया था। राजी मौसावी को सीरिया के सरदा जैनब में 25 दिसंबर 2023 को मारा गया था। इब्राहिम बियारी को 31 अक्टूबर को गाजा पट्टी में ढेर किया गया था। बिलाल अल केद्रा को 15 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक में मारा गया। मुराद अबू मुराद को 13 अक्टूबर को गाजा पट्टी में ही एयर स्ट्राइक में मारा गया था। अली कादी को 13 अक्टूबर को गाजा पट्टी में ड्रोन अटैक से मारा गया था। अली उकाशा अबू जरा जहीर सादी अबू आला को 21 सितंबर 2023 को सीरिया में ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया था। खलील बहतीनी, जिहाद घानेम, तारिक इजेद्दीन को 9 मई 2023 को गाजा पट्टी में मारा गया था। अली रामजी अल असद को 19 मार्च 2023 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में मार गिराया गया था। तसीर जवारी को 5 अगस्त 2023 को एयर स्ट्राइक में मारा गया था। हसन सैयद खुदेई को 22 मई 2022 को ईरान के तेहरान में मारा गया था। बसेम इस्सा को 12 मई 2021 को गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक में मारा गया। मोहम्मद अब्दुल्ला फायद, जो कि हमास का कमांडर था, उसे 10 मई 2021 को गाजा पट्टी में मारा गया। मोहसिन फकरीजादे को तेहरान में 27 नवंबर 2020 को मारा गया था। अब्दुल्ला अहमद अब्दुल्ला को तेहरान में 7 अगस्त 2020 को गोली मारकर हत्या की गई थी। इसराइल और हमास की जंग में भले ही हमास और प्रतिरोधी समूह उसे छका रहे हों, लेकिन बीतते समय के साथ साथ इसराइल ने हमास को कमजोर करने का काम किया है। इसराइल ने हमास के टॉप कमांडर और लीडर को मौत के घाट उतार कर उसे दिशा से भटकाने का काम किया है। लेकिन जंग में हमास को भी कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे इसराइली बल आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें उतना ही ज्यादा हमास और प्रतिरोधी समूहों से जंग लड़ना पड़ रहा है, जिसमें इसराइली बलों को काफी नुकसान भी हो रहा है।